Hello friends and welcome to my channel Learning and Speaking. Today we discuss about pronouns. What is pronoun? What is the use of pronoun in English grammar? So let me start. Pronoun. Pronoun are the words used in the place of noun. Let's clarify by example. Can we say this sentence in this way? Ram is a boy. Ram studies in class 8th. Ram has a car. Ram always studies. This is not the correct way to speak this sentence. The correct way is Ram. There is a Ram is a noun. So we say Ram is a boy. Next sentence is Ram studies in class, but that is wrong. He has a car. He studies in class 8th. He always studies. This is the right way to say these all sentence. There is we use Ram as a noun and he as a pronoun. In all these sentences we use he in place of noun. So this is pronoun. So Ram is a noun and he is a pronoun which we used in place of noun. So it is clarified that what is noun and what is pronoun. Pronoun ka Hindi arth hota hai sarvanam. जब वाक्य में नाम के स्थान पर कोई अन्य शब्द प्रयोग किया जाता है तो वह प्रोनाउन कहलाता है। जैसे कि राम एक लड़का है, राम 8वीं क्लास में पढ़ता है, राम के पास कार है, राम हमेशा पढ़ाई करता है। यह जो तरीका है जिसमें हर वाक्य के प्रारंभ में राम लगाया गया है, इसको इस तरीके से हम नहीं बुला सकते। इसका सही तरीका जिसको हम प्रयोग करेंगे वह होगा, राम एक लड़का है, वह 8वीं क्लास में पढ़ता है, उसके पास कार है, वह हमेशा पढ़ाई करता है। तो यहाँ पर राम के स्थान पर जो दूसरे वर्ड यूज हुए हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पर दूसरे वाक्य में हमने क्या लगाया, वह 8वीं कक्षा में पढ़ता है, तो वह क्या हुआ हमारा प्रोनाउन। इसी प्रकार तीसरे वाक्य में उसके पास कार है, तो राम की जगह पे हमने क्या प्रयोग किया, उसके, तो उसके क्या हुआ हमारा प्रोनाउन। हमारा चौथा वाक्य है वह हमेशा पढ़ाई करता है, तो राम के जगह पर हमने क्या यूज किया, वह, तो वह क्या हुआ हमारा प्रोनाउन। यही हमने शुरुआत में पढ़ा था कि जब वाक्य में नाम के स्थान पर कोई अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वह हमारा प्रोनाउन कहलाता है। इसी प्रकार इन्हीं एग्जाम्पल में राम के स्थान पर दूसरे जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वह है हमारे प्रोनाउन है। आई वी यू दे ही शी इट Each, someone, who, what, few, both, is all are pronouns. And personal pronoun is I, we, you, they, he, she, it is our personal pronoun. I, we, you, they, he, she, it, each, someone, who, what, few, both हमारे pronoun होते हैं और I, we, you, they, he, she, it जो होते हैं वे हमारे personal pronoun होते हैं जिसका प्रयोग हम इसमें बताएंगे। Now we first clarify what is first person, second person and third person in the sentence. So what is first person? First person who is talking in the sentence is the first person. Will it be either me or you? वाक्य में जो भी बात कर रहा होता है वह फर्स्ट पर्सन होता है। उसमें या तो मैं बात कर रहा हूँ या फिर तुम बात कर रहे होगे। फर्स्ट पर्सन के लिए आई अर्थात मैं, मुझे, मेरा और वी अर्थात हम, हमें, हमारा प्रयोग किया जाता है। किसी भी वाक्य में जब आई और वी होता है तो वह हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। नेक्स्ट इज सेकंड पर्सन। व्हाट इज सेकंड पर्सन? द पर्सन स्पोकन इन द सेंटेंस इज द सेकंड पर्सन। वाक्य में जिससे बात की जाती है वह सेकंड पर्सन होता है। जैसे कि मैं अगर किसी से बात कर रही हूँ तो वह सेकंड पर्सन है। इसके अंदर यू यानी कि तुम, तुम्हें, तुम्हारा आते हैं सेकंड पर्सन में। यू इन दिस, यू इज सेकंड पर्सन। नेक्स्ट इज थर्ड पर्सन। सो व्हाट इज थर्ड पर्सन? थर्ड पर्सन व्हाट इज बीइंग टॉक अबाउट इन द सेंटेंस इज द थर्ड पर्सन। कोई भी सेंटेंस अर्थात वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है वह थर्ड पर्सन है। यह जैसे कि मैं और मेरा दोस्त अगर किसी तीसरे के बारे में बात कर रहा है तो वह हमारा थर्ड पर्सन है। इसके लिए हम दे अर्थात वे, उन्हें, उनका, ही, शी यानी कि वह, उसे, उसने, उसका
और इट, यह है इसे इसका का प्रयोग करते हैं। फॉर डिस्क्राइब थर्ड पर्सन वी यूज दे, ही, शी एंड इट इन दिस सेंटेंस। When we make a sentence, then so many questions comes in our mind that first is what is subject, what is verb, what is object and how we make the sentence. So first we explain what is subject. So subject, we use the word subject to talk about the person or thing that does the action. हम subject शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करने के लिए करते हैं जो क्रिया करता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जब भी कोई वाक्य हम बनाते हैं तो उसमें जो वस्तु क्रिया कर रही होती है वह हमारा सब्जेक्ट होता है, यानी कि जो चीज़ उस सेंटेंस के अंदर, उस सेंटेंस का बेस होगी वह हमारा सब्जेक्ट होगी, जिसके द्वारा सेंटेंस बन ही नहीं सकता, वह सब्जेक्ट होता है। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है। So we explain the object. Generally, we use the word object to talk about the thing, person that the action is done to, or the one who receive the action. आमतौर पर हम जब object शब्द का इस्तेमाल उस चीज़ व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए करते हैं जिस पर कार्रवाई की जाती है या वह जो कार्रवाई प्राप्त कर रहा होता है उसे object करते हैं। जैसे कि मैं एक कोई भी एक सेंटेंस हो उसमें कोई भी चीज़ हो रही है तो वह जो होगी हमारे वह हमारा ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ कार, तो इसमें दिस जो है वह सब्जेक्ट है और कार जो है वह ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि कार के बारे में बात हो रही है इसलिए हमारी कार जो है वह हमारे ऑब्जेक्ट हुई और दिस जो है वह हमारा सब्जेक्ट हुआ। In pronouns, first comes subjective case, subjective pronoun. So what is subjective case and what is subjective pronoun? We discuss in this. So I explain it. So subjective case, whenever a personal pronoun is used as a subject in the sentence, it is a subjective case. जब कभी भी वाक्य में कोई भी पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है तो वह सब्जेक्टिव केस होता है। हमारे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में मैंने अभी आगे बताया, जो कि होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, वह हमारे होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, और जब वह किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं तो वह हमारा सब्जेक्टिव केस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। In this sentence, I is being used as a subject, so it will be called subjective case. इस वाक्य में I हमारा subject के रूप में प्रयोग हो रहा है, इसे इसलिए subjective case कहा जाएगा। I अर्थात मैं school जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे जो है वह हमारा pronoun है। I के लिए मैं, मुझे, ये सब प्रयोग किया जाता है, तो जहाँ पर भी मैं, मुझे, मेरे इस्तेमाल किया जाएगा वह हमारा प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा, तो वह हमारा सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल इज वह झूठ नहीं बोलता, ही डोंट टेल अ लाई। इन दिस सेंटेंस ही इज बीइंग यूज एज अ सब्जेक्ट, सो इट विल बी कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। इस वाक्य में ही हमारा सब्जेक्ट है जो कि एक प्रोनाउन है हमारा, तो प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है कि वह झूठ नहीं बोलता है, तो वह हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें ही हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए यह क्या हो गया हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया। इसे हम सब्जेक्टिव केस कहेंगे क्योंकि यहाँ पर जो हमारा प्रोनाउन है वह सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। सो नेक्स्ट इज इट्स कम ऑब्जेक्टिव केस। सो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव केस, सो नाउ स्टार्ट। Whenever a personal pronoun is used as a object in a sentence, it is a objective case. जब कभी भी वाक्य में कोई भी personal pronoun, जो कि मैंने पीछे आपको बताई है, वो object के रूप में प्रयोग होगी तो वो objective case हो जाएगा। अब जैसे कि पीछे हमने समझा कि subjective case क्या होता है, कि pronoun जब भी subject के रूप में प्रयोग होगी तो वो subjective case हो जाएगा। इसी प्रकार pronoun हमारी आएगी अगर सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट के रूप में किसी भी वाक्य में, तो वह हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। सो अब ये कैसे यूज़ होता है वह सीखते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस होता क्या है और इसे किस प्रकार वाक्य में प्रयोग किया जाता है। सो व्हाट इज सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन इज आई,
अर्थात मैं, मुझे मेरा, वी हम, हमें हमारा, यू तुम, तुम्हें तुम्हारा, दे वे उन्हें उनका, ही शी वह उसे उसका, इट यह इसे इसका, ये सभी होते हैं हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब सब्जेक्टिव प्रोनाउन के केस में जहाँ पर भी यह हिंदी में अर्थ और इंग्लिश में आते हैं तो हम यह यूज़ करते हैं। इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो हमारे होते हैं वह कुछ अलग होते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में जो होते हैं वह हमारे आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, यू का यू ही रहता है, दे का देम हो जाता है, ही और शी जहाँ पर आता है वहाँ हम हिम और हर का प्रयोग करते हैं, और इट की जगह इट का ही प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में हमेशा जब भी ऑब्जेक्टिव केस होगा तब प्रोनाउन में हम मी, अस, यू, देम, हिम, हर और इट यूज़ करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में। फॉर एग्जांपल, मैं उसे बुलाता हूँ। इस सेंटेंस में मैं जो है मैं उसे बुला रहा हूँ, तो उसे जो हुआ वह हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, तो उसे की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, हिम, आई कॉल हिम। सेकेंड एग्जाम्पल इज तुम्हें, तुमने उन्हें क्यों बुलाया, तो तुम जो हो वह हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट उन्हें है हमारा, उन्हें क्यों बुलाया, तो उन्हें की जगह हम क्या लगाएंगे, हिम लगाएंगे, वाई यू कॉल हिम। नेक्स्ट इज पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस क्या होते हैं, अ पॉजेसिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज टू इंडिकेट पोजेशन और ओनरशिप। पॉजेसिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जिसका प्रयोग किसी पर भी अधिकार या स्वामित्व को दर्शाने के लिए करते हैं। इसमें जैसे कि ये मेरा पेन है, मेरा घर है, मेरी कार है, मेरा स्कूल है, तो ये भी सभी क्या हुए हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन, यानी जिसमें हक की बात हो रही है, अधिकार की बात हो रही है कि ये मेरी चीज़ है, तो वह क्या होता है हमारा पॉजेसिव केस होते हैं जिसमें पॉजेसिव प्रोनाउन प्रयोग होते हैं यानी यूज़ किए जाते हैं। सो लेट वी डिस्कस व्हाट इज़ पॉजेसिव केस प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस वी नो दैट आई अर्थात मैं, मुझे, मेरा, वी हम, हमें, हमें, हमारा, यू तुम, तुम्हें, तुम्हारा, दे वे उन्हें उनका, ही शी वह उसे उसका, इट यह इसे इसका, ये क्या है हमारे पर्सनल प्रोनाउन है। अब पॉजेसिव केस में ये बदल जाते हैं, यानी आई का क्या हो जाता है माय, माइन, वी का क्या हो जाता है अवर, अवर्स, यू का योर, योर्स, दे का देयर, देयर्स, ही का हिज, शी का हर और हर्स, इट का इट्स हो जाता है। जब हम पॉजेसिव केस में प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो इन सभी का प्रयोग करते हैं। लेट्स एक्सप्लेन इट बाय एग्जांपल। दिस इज माय पेन, यह मेरा पेन है। इसमें पेन पे हक अधिकार बताया गया कि यह मेरा पेन है, इसलिए ये क्या हुआ हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। फिर दैट इज हिज होम, वह उसका घर है, उसका यानी वह उसका घर है, इसलिए इस पर भी उसका घर है, इसलिए वह यह क्या हुआ हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन हुआ। इसी प्रकार योर डिनर इज रेडी, आपका डिनर तैयार है, क्या आपका डिनर तैयार है, इस पर भी अधिकार बताया जा रहा है, ओनरशिप बताई जा रही है, इसलिए ये क्या हुआ हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन। व्हेन एवर वी यूज माइन, अवर, योर, देयर, हिज, हर, इट वुड हैव बीन अ पॉसेसिव प्रोनाउन। जब कभी भी हम वाक्य में माइन, अवर, योर, देयर, हर, हिज प्रयोग करेंगे तो ये क्या होंगे हमारे पॉसेसिव प्रोनाउन होंगे। पॉइंट टू बी रिमेंबर इज When object comes before personal pronoun, then we use my, our, your, their, his and her. जब वाक्य में object से पहले personal pronoun आता है तो हम वहाँ my, our, your, their, his, her का प्रयोग करते हैं। For example, this is my car. यह मेरी कार है, तो इसमें क्या है, कार हमारा object है, कार से पहले क्या आया है my, my हमारा pronoun है अर्थात मेरी, तो object से पहले क्या आ गया मेरी आया प्रोनाउन, इसलिए हमने केस का यूज़ किया माय का। सेकेंड एग्जांपल, दिस इज़ योर साइकिल, तो इसमें साइकिल क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से पहले क्या आया तुम्हारी, यह क्या है प्रोनाउन है, इसलिए हमने योर का प्रयोग किया।
Second point is, when object comes after personal pronoun, then we use mine, ours, yours, their, hers, its. जब भी कभी वाक्य सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद पर्सनल प्रोनाउन आता है तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, माइन, अवर्स, योर्स, देयर, हर्स, इट, पोसेसिव प्रोनाउन. फॉर एग्जांपल, दिस कार इज माइन, यह कार मेरी है. इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, कार, कार के बाद क्या आया है, मेरी, जो हमारा प्रोनाउन है, तो ये क्या हुआ, पोसेसिव प्रोनाउन. इसलिए हमने सेंटेंस क्या बनाया, दिस कार इज माइन, माई की जगह क्या प्रयोग कर दिया हमने, माइन. इसी तरीके से दिस साइकिल इज योर्स, यह साइकिल तुम्हारी है. तो इस वाक्य में साइकिल क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, और योर्स क्या है, हमारा, वह हमारा प्रोनाउन है, तो साइकिल के बाद प्रोनाउन आया है, इसलिए यह प्रोसेसिव केस हो गया. तो योर की जगह क्या लगा, योर्स लग गया. यह दो पॉइंट है जिनको पोसेसिव प्रोनाउन के जो सेंटेंस होते हैं उनको बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है. इन दो तरीकों से ही हम पोसेसिव प्रोनाउन सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में. सो नाउ कम्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. सो व्हाट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, व्हेन, हु, व्होम, विच, व्हाट, हूएवर, व्होमएवर, whichever, whatever comes in the sentence, then it is called interrogative pronoun. जब कौन, क्या, जो भी वाक्यों में आता है, सेंटेंस में आता है, तो हम इसे क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं. नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. सो व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सो व्हेन, दिस, दैट, दोज, दीज, सच कम्स इन द सेंटेंस, देन इट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. जब यह है, वह है, वो, ये, ऐसे, ये सभी वाक्यों में आते हैं तो उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. सो व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, व्हेन, माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, अवर सेल्फ, इट सेल्फ इज यूज्ड इन द सेंटेंस, इट इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. इट ऑलवेज टॉक्स अबाउट मोर देन वन पर्सन. जब वाक्य में माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ प्रयोग होता है तो वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है. इसमें हमेशा एक से ज़्यादा लोगों की बात होती है, ग्रुप की बात होती है, तब इसका प्रयोग किया जाता है. नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन यूज टू कनेक्ट अ क्लॉज और फ्रेज इन अ सेंटेंस. इट कनेक्ट्स टू सेंटेंस टूगेदर, फॉर विच वी यूज who, whom, which, whoever, whichever, that. Relative pronoun का प्रयोग वाक्य में किसी उपवाकी या पद को जोड़ने के लिए किया जाता है. यह दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है जिनके लिए हम who, whom, which, whoever, whichever, that का प्रयोग करते हैं. जब भी कभी किसी भी सेंटेंस में दो वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है जिसके लिए हम बीच में हु का, वूम का, विच का प्रयोग करते हैं या दैट का प्रयोग करते हैं, तब वह हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है. नेक्स्ट इज इनडेफिनिट प्रोनाउन. व्हेन वी यूज एन, अनदर, एनी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, एवरीबडी, एवरीथिंग, फ्यू, मैनी, नोबडी, नन, सम, समबडी इन एनी सेंटेंस, देन इट इज कॉल्ड इनडेफिनिट प्रोनाउन. जब हम कोई, कोई भी, कुछ भी, प्रत्येक, सब कुछ, कुछ, अनेक, कोई नहीं, किसी भी वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसे इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं. यानी जब वाक्य में ये सभी चीज़ें आती है तब उसे इनडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है. आज के लिए बस इतना ही. अगर आप मेरे चैनल लर्निंग एंड स्पीकिंग से और मेरे वीडियोस से इंग्लिश ग्रामर को अच्छी तरीके से सीख पा रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें. प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसको आगे शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए. अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.